हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। दोस्तों, आज मैं सूजी और नारियल का हलवा बनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कप से 1 कप सूजी, 1 कप नारियल का बुरादा। सूजी वजन में 250 ग्राम है, नारियल का बुरादा वजन में 150 ग्राम है। चीनी 300 ग्राम, 5 टेबल स्पून देसी घी, ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, बादाम, काजू, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। सबसे पहले सूजी को भून लेना है। पैन गरम हो गया है, इसमें देसी घी डालना है 2 टेबल स्पून तक। घी गरम हो गई है, अब इसमें सूजी डाल देना है। अब इसे लगातार चलाकर भुनना है, फ्लेम को मीडियम रखना है। मैंने सूजी को मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक लगातार चलाकर भून लिया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेना है। मैंने सूजी को बोल में निकाल लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून तक देसी घी डाल देना है। घी गरम हो गई है, अब इसमें नारियल का बुरादा डाल देना है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाकर भुनना है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाकर 4 मिनट तक भून लिया है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के 1 मिनट बाद तक इसे चलाना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। फिर इसे एक बोल में निकाल लेना है। अब चाशनी रेडी कर लेना है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसमें पानी डालना है। 2 कप पानी डालना है। अब फ्लेम को हाई करके चाशनी रेडी कर लेना है। इसे चला देना है। बाकी ड्राई फ्रूट्स सूजी में डाल देना है, थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा लेना है। बादाम, पिस्ता, काजू। मैंने चाशनी को हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाया था, फिर इसे मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक पकाया है। मैंने इसे बीच में कई बार चलाया था। अब हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसमें सूजी डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें नारियल का बुरादा भी डाल देना है। फिर इसमें 1 टेबल स्पून जो घी बची थी उसे डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमारा सूजी और नारियल का हलवा बनकर रेडी हो गया है।